आज हम टेसल डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये बहुत क्विक और इजी डिज़ाइन है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जो अभी रिसेंटली जो टाइप के टेसल पर्ल के साथ में जो ट्रेंड में है वो सिखाएं। तो ये दिखते बहुत ब्यूटीफुल हैं और ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बनाने में बहुत ईजी है। तो ये सिल्वर से बनाया है, ये गोल्डन से बनाए हैं मैंने, और आप किसी भी टाइप के पर्ल से बना सकते हैं या सीड बीट से बना सकते हैं, किसी भी टाइप की मोती आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सिल्क थ्रेड से भी बना सकते हैं, टू स्ट्रैंड्स लेने पड़ते हैं या सिल्वर इस तरह के जरी के जो थ्रेड आते हैं उससे बना सकते हैं, पर टू स्ट्रैंड्स लेने हैं। और इस तरह के गोल्डन जरी के थ्रेड आते हैं इससे भी बना सकते हैं, कोई भी टाइप के थ्रेड यूज़ कर सकते हैं या कॉटन रेगुलर थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे किस तरह से बनाना है पहले देखेंगे। सबसे पहले जो हमने थ्रेड लिया है इसमें अपने पर्ल या बीट को ऐड करना है। तो इसे ऐड करने के लिए आप मेरा वीडियो रिफ़र कर सकते हैं कि किस तरह से अपने पर्ल्स को क्रोशे थ्रेड या कोई भी थ्रेड में किस तरह से ऐड करते हैं। इसके लिए मेरा वीडियो रिफ़र करें आप, अगर आपको डिटेल में समझना है तो। और इसमें मैंने पर्ल यूज़ किए हैं, सिल्वर पर्ल, कम पर्ल यूज़ की है। और इसमें मैंने 80 यूज़ की है, और आप 40 से लेके 80 या 100 तक भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जितनी ज़्यादा पर्ल चाहिए आप उतनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो एक टेक्निक है अपनी पर्ल को थ्रेड में ऐड करने की, कि जो थ्रेड है जिसमें हमें बनाना है इसमें नॉट टाई करें। इस तरह से नॉट टाई करेंगे और जो भी पर्ल है इसको इसके ऊपर स्लिप करते जाएंगे नॉट टाई करने का। ये ऐसे माला के फॉर्म में मिलती है ऐसे स्ट्रिंग्स, तो इसे टाई कर दे और इस तरह से स्लिप कर दे, तो अपने वर्किंग थ्रेड में आ जाता है ये सारी मोती जितनी चाहिए। मैं 80 यूज़ कर रही हूँ, आप 80 to 100 भी यूज़ कर सकते हैं, या कम लगानी है तो 40 भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा बड़ी साइज़ होती है तो उतनी आप कम भी यूज़ कर सकते हो और बहुत ब्यूटीफुल दिखेगी। और बहुत छोटी छोटी अगर पर्ल या बीड्स है तो आप ज़्यादा ऐड करें, 100 तक ऐड करें, और अगर बड़ी है तो आप 40, 80, 60 अपने मन से कितनी भी ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा हो गई या कम हो गई तो भी हम कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पैटर्न में हम इजीली बना सकते हैं। ये मैंने नॉट टाई करके मैंने बनाया है, ये एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक सुई धागे से ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरा वीडियो रिफ़र करें आप। अटैच होने के बाद ये काट दें इस तरह से, ये वर्किंग थ्रेड में आ गई है। अब टैसल बनाने के लिए आपको इस तरह से कोई कार्डबोर्ड या कुछ भी इस तरह का चाहिए, इसे स्क्वायर शेप में फोल्ड कर सकते हैं आप। और इसकी मैंने लेंथ इसकी 4.5 सेंटीमीटर ली है, ये लेस देन 2 इंचेस है। आपको जितना लंबा टैसल चाहिए आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं ये कार्डबोर्ड की लेंथ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्ट्रिंग्स है इसे इस तरह से रखना है, नॉट नहीं टाई करनी है, इस तरह से ये स्ट्रिंग को यहाँ पर इस तरह पकड़ना है ऐसे, और एक ऐसे घुमाया मैंने इसके ऊपर, और मैं 4 पर्ल्स इस तरह से एक राउंड लिया मैंने इसके ऊपर, 4 पर्ल्स इस तरह से रखी और इसके ऊपर मैं लपेटते जाऊंगी और हर टर्न में मैं पर्ल्स को ऐड करूंगी। अब ये एक कंप्लीट हो गया, फिर से 4 मैं ऐड करूंगी। फिर से टर्न लिया एक, हर टर्न पे मुझे 4 4 पर्ल्स को ऐड करते जाना है। और अगर आपको कम पर्ल चाहिए तो आप 1 या 2 भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा पर्ल चाहिए तो आप 4 4 भी ऐड कर सकते हैं, 5 ऐड कर सकते हैं। जो रेगुलर टेसल आते हैं ये टेसल उससे भी ज़्यादा इजी होते हैं बनाने में।
मेरी पर्ल की साइज़ बहुत बड़ी है इसलिए मैं सिर्फ 50 पर्ल्स ऐड कर रही हूँ। बड़ी पर्ल है इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ, स्मॉल रहेगी तो आपको डबल ऐड करनी है। अब ये ऐड होने के बाद ये जो दो एंड है इसे टाई कर देना है, ये एंड्स को जो पहले हमने थोड़ा सा छोड़ा था वो, और ये एंड को मैंने टाई कर दिया। टाई करने के बाद इसे कट कर देंगे। दूसरी निडल में हमें इस तरह से नॉट लगाना है, 2 to 4 स्ट्रिंग्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं सेम थ्रेड का। अब हम इसे इसमें से हमें निडल को इसमें इंसर्ट करना है, और ये दूसरे एंड से मैंने इसे निकाल दिया ताकि ये मैं टेसल को इस तरह से कंबाइन कर सकूँ, लॉक कर सकूँ। इसमें आप डायरेक्टली सिर्फ इस तरह से निडल में डाल के रैप भी कर सकते हैं या बटन होल स्टिचेस भी बना सकते हैं इसके अराउंड में। जी सारे लूप गैदर हो गए हैं, अब इसे निकाल देंगे इसमें से। आप इसके अराउंड में बटन होल स्टिचेस बना सकते हैं या रैप करते जा सकते हैं जो इजी लगे आपको। अब ये दोनों एंड को इस तरह से होल्ड करेंगे। और इसे इस तरह से घुमाएंगे। और निडिल और ये थ्रेड से हम इसमें नॉट लगाएंगे। टू थ्री टाइम नॉट लगाएंगे। इस तरह से ये पर्ल से लटकन बन के तैयार हो गई है। आप जितने ज़्यादा इसमें पर्ल डालेंगे वो उतने ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा, पर्ली दिखेगा। और इसे अटैच करने की टेक्निक है स्कार्फ में, ये जो निडल है इससे डायरेक्टली हम यहाँ पर इंसर्ट करके निकाल के स्टिच कर सकते हैं इसके दुपट्टे या साड़ी के पल्लू या बॉर्डर पे, या इसे बटन के तौर पे भी यूज़ कर सकते, कुर्ती में फ्रंट में लगा के सेंटर में बटन अटैच कर सकते हैं, या फिर अटैच करने के बाद यहाँ पर साइड में पर्ल से कवर कर सकते हैं इसे। तो बहुत सारी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करें।